नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेटिव पहाड़ी में। थार रॉक्स के जो लोअर वेरिएंट्स है ना, काफी ज्यादा वैल्यू फॉर दी मनी वेरिएंट्स हैं दोस्तों, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आपको ये देखने को मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा बुकिंग भी इन्हीं वेरिएंट्स की रहने वाली है। MX-1 जो बेस वेरिएंट है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, आप चाहे तो हमारे चैनल पेज में चेकआउट कर सकते हैं या तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं कि MX-1 में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं इसके सेकंड बेस वेरिएंट यानी कि MX-3 की, क्या फीचर्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे और एट द एंड मैं प्राइस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा पेट्रोल वेरिएंट्स की भी और डीजल वेरिएंट्स की भी, तो वीडियो में बने रहिएगा। MX-3 जो वेरिएंट है दोस्तों, पेट्रोल इंजन में सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही अवेलेबल है, यानी कि जो 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है वो MX-3 में आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। MX-1 में आपने ध्यान दिया होगा कि 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आपको दिया जा रहा है लेकिन ऑटोमेटिक नहीं दिया जा रहा है पेट्रोल में, यहाँ पर पेट्रोल में सिर्फ ऑटोमेटिक आपको मिलने वाला है। जहां तक डीजल की बात है तो डीजल इंजन में ना आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही ऑप्शन के साथ MX-3 वेरिएंट मिलेगा। हाँ, जहां तक 4x4 ऑप्शन की बात है वो तो ऑब्वियसली बात है MX-3 में भी आपको नहीं दिया जा रहा है, इट्स ओनली अवेलेबल इन रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन, विच इज एक्चुअली गुड क्योंकि काफी लोग रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ खरीदना चाह रहे हैं, तो MX-3 में भी आपको रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन ही अवेलेबल रहेगा पेट्रोल में भी और डीजल में भी। 2 लीटर का पेट्रोल इंजन एंड 2.2 लीटर का डीजल इंजन सेम ही रहने वाला है। जो व्हील बेस है 2850 mm का है जो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, सिर्फ रियर सीटिंग कंफर्ट जो है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 57 लीटर्स की दी गई है। अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल और वाटर वेडिंग कैपेसिटी ये सब मैंने MX-1 जो वीडियो थी उसमें कवर करी हुई है, तो आप चाहें तो अगेन वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं सेफ्टी में आ जाता हूं, तो देखिए सेफ्टी में सारे ही फीचर्स मिलेंगे जो आपको MX-1 में मिलते हैं, उसके ऊपर क्या मिलेगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। पहले मैं सेफ्टी जो फीचर्स हैं वो आपके सामने रिपीट कर देता हूं। तो 6 एयरबैग्स आपको मिलेंगे MX-3 में भी, पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं, 3-point seat belt फॉर ऑल सीट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट यानी कि फ्रंट वाली जो सीट बेल्ट हैं उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, EBD, ABS, हिल होल्ड कंट्रोल, इसके अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल यानी कि BLD, फ्रंट डिस्क, रियर में भी डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे ओनली इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये ध्यान रखिएगा MX-3 में। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेंगे यानी डीजल मैनुअल लेंगे तो उसमें रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। टायर जो साइज है 255/65 R18 स्टील व्हील ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, रिमोट सेंटर लॉकिंग मिलेगी, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक्स फीचर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो MX-1 में भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे थे। अब MX-3 में एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स क्या है, रियर कैमरा एक तो आपका एड ऑन हो गया है और जो इनसाइड रियर व्यू मिरर है यानी कि IRVM वो आपको ऑटो डिमिंग ऑप्शन के साथ अवेलेबल रहेगा, तो ये दूसरा एड ऑन है। तीसरा जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं ना तो उसमें आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, तो ये 3 एड ऑन है सेफ्टी फीचर्स में अगर आप MX-3 वेरिएंट लेते हैं। एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं तो देखिए सनरूफ इस वेरिएंट में भी आपको नहीं देखने को मिल रही है, MX-1 में भी ऑब्वियसली बात है वो नहीं थी। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जैसे MX-1 में थे तो MX-3 में भी आपको दिए जा रहे हैं। LED DRLs, LED फॉग लैम्प्स MX-3 वेरिएंट में भी आपको नहीं मिलेंगे। LED टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे ऑन फेंडर्स। LED टेल लैंप्स आपको अवेलेबल हैं जैसे कि MX-1 में थे। LED सेंटर हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। स्पेयर व्हील 18 इंच का जैसे मैंने आपको बताया सेम ही रहने वाला है, जो साइज आपका मेन व्हील्स का रहेगा सेम साइज ही आपका स्पेयर व्हील का भी MX-3 में रहने वाला है, तो व्हील्स में कोई डिफरेंस नहीं है चाहे आप MX-1 लीजिए या MX-3 लीजिए। स्किड प्लेट्स आपको मिल जाएंगी, साइड फुट स्टेप मिल जाएगा जैसे MX-1 में मिला था, डुअल टोन इंटीरियर्स, जेन 4 बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म पे बनी है। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है ना MX-3 में वो मैं आपको बता देता हूँ, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ड्राइव मोड्स आपके यहाँ पर एड ऑन हुए हैं जिप एंड जूम, इसके अलावा जो रियर व्हील ड्राइव एक्सप्लोर यानी कि जो टेरेन मोड्स रहते हैं स्नो सैंड मड ये आपके एड ऑन हो जाते हैं MX-3 वेरिएंट में। फिर जेन 2 आपको एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स की जो फीचर है वो भी आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा, तो थोड़े से ही फीचर एड ऑन है जैसे मैंने आपको बताया व्हील कवर्स एक एड ऑन हो गए, ड्राइव मोड्स एंड टेरेन मोड्स, तो ये आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं फीचर वाइज अगर आप कंपेयर करते हैं विद दी MX-1। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, तो देखिए यहां पर ना टच स्क्रीन तो सेम है यानी कि 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी बट ये HD वाली मिलेगी, वहां पर आपको नॉर्मल मिल रही थी यहां पर HD टच स्क्रीन मिलेगी। 4 स्पीकर्स हैं, ट्विटर MX-3 में भी नहीं मिलेंगे। एड ऑन क्या है, आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले यहाँ पर एड ऑन हो जाता है वो MX-3 में मिल जाएगा। MID क्लस्टर विद
एनालॉग डायल्स जैसा कि MX1 में था सेम ही रहने वाला है। कैमरा यहाँ पर एड ऑन हो जाता है और वायरलेस चार्जिंग आपको MX3 वेरिएंट में दे दी गई है। कंफर्ट की बात कर लेते हैं तो देखिए ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट जैसा MX1 में था सेम ये आपको MX3 में भी देखने को मिलेगा। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट उसमें भी मिल रहा था यहाँ पर भी मिलेगा। एड ऑन क्या है, रियर सीट आर्मरेस्ट विद कप होल्डर ये MX3 वेरिएंट में एड ऑन कर दिया गया है। 60-40 स्प्लिट सीट विद मल्टी पॉइंट रिक्लाइन एंगल के साथ आपको मिल रही है जैसे MX1 में था सेम ही है। रियर AC वेंट्स मिल रहे हैं। पावर विंडोज फ्रंट एंड रियर उसमें भी मिल रही थी यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। एड ऑन क्या है, जो ड्राइवर साइड पावर विंडो है वो वन टच अप एंड डाउन फीचर के साथ आपको अवेलेबल की जा रही है जो MX1 में आपको नहीं दिया जा रहा था। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिल रहा है ओआरवीएम में और आपको पता होगा कि वो आपको MX1 में नहीं दिया जा रहा था तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट दे दिया गया है ओआरवीएम में। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एज इट इज रहने वाला है। एड ऑन क्या है, रियर वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर तो देखिए मैंने MX1 की वीडियो में भी बताया था जरूर दिया जाना चाहिए फ्रॉम द बेस वेरिएंट बट वहां पर नहीं मिल रहा है तो यहां पर आपको रियर वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर MX3 वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट फ्रंट में आपको मिल रहा है वो MX1 में भी मिल रहा था। एड ऑन क्या है, फ्रंट में जो USB पोर्ट है वो दो आपको मिलेंगे ए टाइप एंड सी टाइप जो आपको MX1 में नहीं मिल रहे थे। रियर USB पोर्ट सी टाइप ये आपको MX1 में भी मिल रहा था तो यहाँ पर भी आपको दे दिया गया है वो एज इट इज ही है। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ऑब्वियसली बात है MX3 में ही आपको देखने को मिलेगी। पुश बटन स्टार्ट आपको मिल रहा है, इंजन स्टार्ट स्टॉप, टायर डायरेक्शन माउंटिंग सिस्टम जो MX1 में था वो यहाँ पर भी मिल रहा है। एड ऑन क्या है, क्रूज कंट्रोल। तो मैं कंफर्ट में आपको एक बार रिपीट करता हूँ, जो एड ऑन है MX3 में इन कंपेयर विद दी MX1 क्रूज कंट्रोल एड ऑन है। फ्रंट USB जो चार्जिंग पोर्ट है वो दो आपको मिल रहे हैं ए टाइप एंड सी टाइप। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट ओआरवीएम में एड ऑन है। रियर वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर ये एड ऑन है। ड्राइवर पावर विंडो विद वन टच अप एंड डाउन एंड रियर सीट आर्मरेस्ट विद कप होल्डर तो ये कंफर्ट में ये फीचर्स आपको एड ऑन किए गए हैं। आप मुझे कमेंट करके एक चीज जरूर बताइएगा कि ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स आपको MX3 में मिल रहे हैं ना, सो डू यू थिंक इट्स रियली वर्थ बाइंग MX3 और यू विल गो विद द MX1 बेस वेरिएंट, तो ये जरूर मुझे बताइएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन बात प्राइस की। तो देखिए MX3 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पेट्रोल में, क्योंकि MX3 सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही अवेलेबल है पेट्रोल में, तो रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ इसकी जो एक्सशोरूम प्राइस है 14,99,000, सो इट्स लाइक 15 लाख एक्सशोरूम प्राइस में आपको ये MX3 वेरिएंट ऑटोमेटिक पेट्रोल में देखने को मिल जाएगा। डीजल की बात करें तो रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन में ही अवेलेबल है, आपको पता है 4x4 इसमें नहीं आ रहा है, तो मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस रहेगी 15,99,000, दैट मींस लाइक 16 लाख एक्सशोरूम। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की प्राइस रहेगी 17,49,000 एक्सशोरूम। तो ये बात रही दोस्तों प्राइस की, आप बताइएगा आपको प्राइस कैसे लग रही है। सो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड।